हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 cc के अंदर सबसे लो बजट के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक, ऑल न्यू 2024 बजाज प्लेटिना 100 cc। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, ये बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, क्या कुछ फीचर्स आप बजाज प्लेटिना 100 cc के अंदर मिल जाते हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। आज के इस वीडियो में बेस मॉडल का रिव्यू करने वाले। बेस मॉडल के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, सेल्फ स्टार्ट आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, E20 का भी अपडेट अब आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो, तो एक बड़े अपडेट के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 80,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसके फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके के मिरर देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ में। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इस बाइक की दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको बजाज का लोगो मिल जाता है। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो DRL लाइट देखने को मिलती है, लाइटें ऑन जाती है, हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इंजन स्टार्ट होते हैं इस बाइक की हेलोजन हेडलाइट ऑन हो जाती है। साइड में आपको फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फ्रंट में आपको ग्लॉसी वाइजर देखने को मिल जाता है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, 135 mm ट्रेवल सस्पेंशन के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो नाइट वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, अगर आप इस बाइक के किसी भी एक ब्रेक को अप्लाई करते हो तो दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। 17 इंच के ट्यूब वाले टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। अब बात लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल। इस बाइक के टैंक के ऊपर आपको प्लेटिना की ब्रांडिंग देखने को मिलती है स्टिकर के फॉर्म में। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की देखने को मिल जाती है। अब बात लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 102 cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है, जो 7.79 bhp की पावर जनरेट करता है, 8.34 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 4 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, 4 गियर आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के माइलेज की बात करते हैं, बाइक आपको 75 से 80 का माइलेज इजीली निकाल कर दे देते हैं। इस बाइक के अंदर किक भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के करवेट की बात करूँ तो 117 kg का करवेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। 200 mm ग्राउंड केन्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको इस बाइक का इंजन देखने को मिल जाता है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 807 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। सीट क्वालिटी आपको इस बाइक की काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। साइलेंसर के ऊपर आपको क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है स्टाइलिश सी। इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर आपको 110 mm स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 110 mm के ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। 17 इंच के ट्यूब वाले टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर आपको 100 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है। अब बात लेते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल की। तो इसके बैक में आपको सिंगल पेज ग्रेवरल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ में। गोल्ड सी टेललाइट आपको रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाती है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट माउंटर मिल जाता है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। पिलियन के लिए एडिशनल फुटरेस्ट भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे एडिशनल फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब बात लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सिंगल हॉर्न के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। यहाँ पर आपको पासिंग लाइट का स्विच देखने को मिलता है एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 90 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल बजाज प्लेटिना 100 कम्फर्टेक स्मॉल सर्वी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।